स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। अरे कितनी बार बोला इस चाल की मरम्मत करा दो, इसको ठीक करा दो, कोई सुनता क्यों नहीं है? अब देख लिया क्या हो गया? भूपन तो कब से बोल रही हूँ कि रेलिंग कमजोर छे, बच्चों को बोलो ज्यादा उछल कूद ना करे, पर नहीं, अपने बच्चे तो संभलते नहीं है और मने आवी गया संभड़ावा माटे। जब चाहे बाला बढ़ा देती हूँ, चाल की मरम्मत करानी है ये बोल के, तो फिर ये क्या है? लतिका बेन, आवाज नीची करके बात करो। सोनू प्लीज प्लीज झगड़ो मत और आप शांत हो जाइए, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, घबराइए मत। आप तो मुंह बंद ही रखिए, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है ये आपकी लापरवाही की वजह से हुआ। साथ निभाना साथिया। अरे पर गोगना, हसमुख तो आंगन में रहता है, जिगना आंगन में कैसे रहेगी? हसमुख अब से आंगन में भी नहीं रहेगा। ये दोनों हमारे घर से बाहर रहेंगे। ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे। मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आपकी इस घर में नहीं चलने दूंगी। मैं इस घर की भी बड़ी बहू हूं और तुम्हें भी मेरी बात माननी ही पड़ेगी। नहीं मोटा भाभी, क्षमा चाहती हूं आपसे। मैं मानती हूं कि आप घर की बड़ी बहू हैं और मेरी जेठानी, लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं हुआ कि आप जो भी कहे वही सही है। लेकिन अब मैं आपको आपकी मनमानी नहीं करने दूंगी, क्योंकि ये प्रश्न मेरी बहन का है, उसकी जिंदगी का है, मेरे उसूलों का है, मेरे सिद्धांतों का है। और मैं कोको, देखो तुम इतना हाइपर मत हो, तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम नहीं चाहती ना कि मैं इस घर में रहूं? ठीक है, मैं चली जाऊंगी। पर जिगना, नहीं है तलबेन, मैं चली जाऊंगी। वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा जिगना। दादी, छोटी दादी को बोलो वो मम्मी को वापस ले आए, वरना हम भी घर से बाहर रहेंगे। बच्चों देखो, दादी है ना, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी को कहीं नहीं जाने दूंगी, उन्हें मैं इस घर में वापस ले आऊंगी। छोटी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम दादी की बात मानोगे ना? जा अपने कमरे में जाओ। प्रॉमिस दादी। प्रॉमिस बेटा, जा। अरे वाह, इस कोकिला ने तो मेरा काम खुद ही आसान कर दिया। मेरे रास्ते के कांटे को खुद इस घर से बाहर फेंक दे। मैं अभी जाके पता करता हूँ कि सबके पीछे कौन है। एमजी शांत हो जाए। देखिए, अगर आप इतने गुस्से में भरे घर पहुंचेंगे तो वो अपराधी सचेत हो जाएगा, और अगर कहीं ये माँ जी के भूल के वजह से या बच्चों के कारण हुआ है तो हो सकता है माँ जी और भी तनाव में आ जाए, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। अब परेशान मत हो, माँ जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। वैसे मैंने राशि बहन और देवा जी से कहा है कि वो माँ जी का ध्यान रखें।
भाई आराम से अपना हाथ। जमाई जी संभाल के, मेहंदी संभालिए। आराम से है भाई। कितनी बार बोला इस चाल की मरम्मत करा दो, इसको ठीक करा दो, कोई सुनता क्यों नहीं है? अब देख लिया क्या हो गया? हूँ पर तो कब से बोल रही हूँ कि रेलिंग कमजोर छे, बच्चों को बोलो ज्यादा उछल कूद ना करे, पर नहीं अपने एक बच्चे तो संभलते नहीं है और मने आवी गया संभलावा माटे। जब चाहे बाला बढ़ा देती हूँ, चाल की मरम्मत करानी है ये बोल के, तो फिर ये क्या है? लतिका बेन आवाज नीची करके बात करो। सोनू प्लीज प्लीज झगड़ू मत और आप शांत हो जाइए, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, घबराइए मत। आप तो मुंह बंद ही रखिए, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है ये आपकी लापरवाही की वजह से हुआ। इसके वजह से ये लोग आपको कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन न जाने कहां कहां ले जाएंगे। थी ना कि छप्पर फटेगा कभी तो खूब पैसा मिलेगा। लो छप्पर तो नहीं टूटा लेकिन ये रेलिंग जरूर टूट गई है, अब तो मरम्मत करवाओगी ना? अरे वाह, यहाँ कोई तमाशा हो रहा है कि सब लोग यहाँ जमा हो गए? चलो जाओ यहाँ से। बैठे बैठाए खर्चा बढ़ गया, अब ये रेलिंग की मरम्मत में हजारों रुपए फुर हो जाएंगे। कहीं लागी गई छे, पैसे हाथ में टिकते ही नहीं, खर्चे पे खर्चे बढ़े जा रहे। अरे और मिला थोड़ा समय देखकर बोला कर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।